गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे रिफरेंस इलेक्ट्रोड। रिफरेंस इलेक्ट्रोड में मेनली जो पढ़ना है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग को पढ़ना है। इंजीनियरिंग में जाएंगे तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड पढ़ना होगा, ग्लास इलेक्ट्रोड पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रोड आपको पढ़ना है। तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड है क्या? रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वैसा इलेक्ट्रोड, वैसा हाफ सेल। ये भी क्या है? एक तरह का हाफ सेल है। हाफ सेल जिसका कि नॉन पोटेंशियल हो और टेम्परेचर इंक्रीज करने से घटे बढ़े ना, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से उस पर कोई पोटेंशियल पर इफेक्ट ना पड़े, तो उसको कहते हैं हम लोग रिफरेंस इलेक्ट्रोड। तो वही लिखे हैं, ए रिफरेंस इलेक्ट्रोड इज हाफ सेल। क्या बताए? ये एक तरह का हाफ सेल है। हाफ सेल हैविंग ए नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले से जाना रहता है कि नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, दैट रिमेंस कॉन्स्टेंट। वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट रिफरेंस इलेक्ट्रोड क्या क्या है? इंपॉर्टेंट रिफरेंस इलेक्ट्रोड जो है मेरा, हम लोग को जो पढ़ना है वही सबसे पहले लिखते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। या स्टैंडर्ड, इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। SHE हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को कहा जाता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी, NHE, ठीक है। इसी को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोड NHE। इसको कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ज़्यादा जगह मिलेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा हुआ। इसी में से हम लोग पढ़ते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड। हम लोग जो यूज किए थे प्रैक्टिकल में, वो इंजीनियरिंग में आपको मिलेगा कैलोमेल इलेक्ट्रोड ज़्यादा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैंडलिंग में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कम यूज होता है। दूसरा यूज करते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड होगा, तो ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे बाद में। कैलोमेल इलेक्ट्रोड ये इंजीनियरिंग के लिए जरूरत है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। थर्ड होता है ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, ग्लास इलेक्ट्रोड। इसी को कहा जाएगा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। लिख देते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड।
और एक होता है, इसे उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेनली जो यूज होता है वो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, केलोमेल इलेक्ट्रोड, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी है, हर जगह अलग अलग यूज करता है लोग। क्यों नहीं, हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड भी है। क्या होता है, क्वीन क्वीन हाइड्रॉन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड भी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, रिफरेंस इलेक्ट्रोड किसको बोले, रिफरेंस इलेक्ट्रोड इज ए हाफ सेल हैविंग नॉन पोटेंशियल, हैविंग नॉन पोटेंशियल दैट रिमेन कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोजिशन से ये इंडिपेंडेंट होता है, और टेम्परेचर चेंज करने से भी इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। इसको बोलते हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड। कोई भी पोटेंशियल मेटल का निकालते हैं तो किसी न किसी रिफरेंस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग स्टडी करेंगे हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे हम लोग, SHE। ठीक है, C, या इसी को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ग्लास के, ग्लास से होकर के हम लोग प्लेटिनम वायर लेते हैं, ये और पतला भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, इससे होकर के प्लेटिनम वायर को पास कराते हैं ऐसे। ये है आपका प्लेटिनम वायर। ठीक है, और ये ग्लास के इनवेलप से ढका रहता है, इसे ग्लास के इनवेलप से ये ढक दिया। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस डालने के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, इधर से हम लोग H2 गैस 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, H2 गैस 1 atm प्रेशर पर पास करते हैं। ये ग्लास का ही रॉड है। ठीक है, ये ग्लास का रॉड है, यहाँ तक रहने दीजिए, यहाँ तक खींचिए। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा इधर अलग कर देते हैं इसे, और इस प्लेटिनम वायर से प्लेटिनम ब्लैक का फॉइल लटका देते हैं। ठीक है, और ये इधर ढका गया, इससे कनेक्टेड हो गया। ठीक है, इधर भी ये कनेक्टेड हो गया। ठीक है, और ये प्लेटिनम वायर हो गया, ये हो गया आपका प्लेटिनम वायर। ठीक है, ये PT वायर है, ये क्या है, प्लेटिनम वायर है। ठीक है, ये जो है प्लेटिनम ब्लैक का फॉइल है। ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक का फॉइल है। इधर हम लोग सॉल्ट ब्रिज के रूप में ऐड करने के लिए भी जगह छोड़ देते हैं, या नहीं हो छोड़ेंगे, इसमें क्या है, उधर से कनेक्शन कर देंगे, छोड़ दीजिए, उसमें करते हैं, ये इसमें नहीं करते हैं, केलोमेल इलेक्ट्रोड में। ठीक है, अब इसको एक बीकर में डाल देते हैं, डाल दिए। ठीक है, इसमें अब जो है हम लोग
इसको क्या करते हैं, HCl से भर देते हैं। HCl डाल दिए, दिख रहा है ना, इसमें HCl ले लिए, इसमें क्या ले लिए, HCl सॉल्यूशन 1 मोलर, इसमें ले लिए HCl सॉल्यूशन 1 m का, ठीक है। ये जो है मेरा, ये क्या है, प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, ब्लैक फॉइल है, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल लिए, पीटी वायर ले लिए, ये ग्लास का इन्वेलप, इसको कहते हैं ग्लास इन्वेलप, इन्वेलप, और ये ग्लास का ही ये भी बना हुआ है, ठीक है। इधर से हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं तो ये प्लेटिनम ब्लैक में क्या होता है, एडजॉर्ब होता है हाइड्रोजन, ठीक है, ये एडजॉर्ब होता है और जो गैस बना बचा ये इधर से बुलबुला बुलबुला के रूप में बुलबुल करते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये इसे थोड़ा मार दीजिए स्टाइल, हाँ, ये इधर से भी गैस बुलबुला के रूप में क्या होगा, इसे करके बाहर निकल जाएगा बुलबुलाते हुए, ठीक है। तो ये है इसका फंक्शन, क्या लिए, ग्लास के इन्वेलप में प्लेटिनम वायर से, जरूरी नहीं है कि हम ग्लास में इसमें डालें, नहीं भी डाल सकते हैं लेकिन डाल दिया जाता है सेफ्टी के लिए, थोड़ा मजबूती के लिए, ठीक है। और इससे प्लेटिनम वायर से प्लेटिनम ब्लैक फॉइल को 0.5 सेंटीमीटर × 0.5 सेंटीमीटर का रहता है छोटा टुकड़ा, इसमें डाल देता है, ठीक है। ये डाल दिए, यहाँ तक तो HCl भर गया। अब जैसे हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, ये हो गया इसका फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, ये IPSC के अनुसार इट इज ए रिफरेंस इलेक्ट्रोड, अकॉर्डिंग टू IPSC, अकॉर्डिंग टू IUPAC, इट इज ए रिफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज ए रिफरेंस इलेक्ट्रोड, क्या है ये, एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड है अकॉर्डिंग टू IUPAC। इसमें क्या है, गैस और H+ के रूप में HCl सॉल्यूशन है, आयन है Cl- H+ Cl-, तो यहाँ H+ का मिलनी जरूरत है H+, तो यहाँ पर क्या है, आयन और गैस है, है? तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ए आयन गैस इलेक्ट्रोड, है, इट इज ए आयन गैस इलेक्ट्रोड भी इसको कहा जा सकता है, आयन गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये जो है एनोड और कैथोड दोनों की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। इट एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल, दोनों यूज करते हैं इसे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज्ड एज, हाइड्रोजन क्या लिखे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज
एक्ट एज एनोडिक हाफ सेल, ये ज्यादा यहाँ एनोडिक हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल, एक्ट एज एनोडिक हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल, ठीक है। ये एनोडिक हाफ सेल के भीतर बिहेव करेगा, वो डिपेंड करेगा कौन मेटल से कनेक्टेड किया है, ठीक है। एनोडिक हाफ सेल के तरफ भी बिहेव करेगा और कैथोडिक हाफ सेल के तरफ भी बिहेव करेगा। उसका एग्जांपल लगे अभी, एक्ट एज एनोडिक हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा जीरो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोडिक हाफ सेल मतलब एनोडिक रिएक्शन का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों क्या होगा इसका, जीरो, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड हम लोग पहले पढ़े, ई नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बराबर जीरो एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होता है इसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो। इट्स लिख दीजिए, इट्स इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू जीरो एंड इट्स मतलब दोनों जीरो होगा, ठीक है। तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करते हैं, ये जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक ग्लास इनवेलप लेते हैं, ग्लास इनवेलप में हाइड्रोजन गैस देने का व्यवस्था है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, प्लेटिनम वायर से क्या है, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल को लटका देते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें रिएक्शन क्या होगा ये देखिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होगा प्लेटिनम ब्लैक पर, हम लोग पहले से जान रहे हैं प्लेटिनम ब्लैक का नेचर जो होता है वो एडजॉर्बेंट का है। तो ये हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल पीटी ब्लैक फॉइल एडजॉर्ब्स हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस पीटी ब्लैक फॉइल जो है एडजॉर्ब करेगा क्या चीज, हाइड्रोजन गैस को। तो हाइड्रोजन गैस देगा रिवर्सिबल, इसे 2H+ H2 से 2H+ बनेगा, ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, पीटी ब्लैक फॉइल पर, पीटी स्मॉल में लिख देते हैं, पीटी ब्लैक फॉइल पर हाइड्रोजन गैस रहता है, पीटी ब्लैक फॉइल पर रहेगा। और ये कहाँ से, सॉल्यूशन से मिलेगा, इन सॉल्यूशन ये प्रेजेंट रहेगा, ये जो प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, ये जो रहेगा प्रेजेंट ऑन पीटी ब्लैक, H2 प्रेजेंट होगा पीटी ब्लैक फॉइल पर, और H+ जो रहेगा वो तो सॉल्यूशन का पार्ट है, सॉल्यूशन में आयन रहता है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि क्या क्या होता है इसमें, अब हम लोग पढ़ते हैं एनोडिक हाफ सेल में इस पर क्या होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब इसका हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग ये करते हैं, जब एनोड के रूप में इसको इधर रखा जाएगा, कोई मेटल को राइट हैंड साइड में रखा जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, तो देखिए, व्हेन एग्जाम्पल ले, ये ले क्या, व्हेन
व्हेन, इसको शॉर्ट में SHE लिखवे के, व्हेन SHE एक्ट एज एनोड, एनोड के तरह जब ये बिहेव करेगा तब क्या होता है, ठीक है। तब इसका मेन फंक्शन समझ गया, अब इतना लिखने का जरूरत नहीं है, अब हम लोग कर लेते हैं तुरंत। देखिए क्या होता है, क्या रिएक्शन होगा इसमें। तो जैसे एनोड लेंगे, इसके रेफरेंस में मान लीजिए ले लिए कॉपर, यहाँ हम लोग ले लिए प्लेटिनम वायर, इसे पास कराइए और इसमें PT ब्लैक फॉइल अटका दिए, ठीक है। इधर भी सेट कर दीजिए, इधर भी, इधर थोड़ा लंबा कर दीजिए, ऐसे पास कर, यहाँ पर ग्लास का इन्वेलप लगा दिए, ग्लास का इन्वेलप लग गया, ठीक है। अब ऐसे करके दे दीजिए, हिंदी ये थे, यहीं तक लगाइए, यहीं से अटका देते, ऐसे ये हो गया। अब इसका कनेक्शन कर दीजिए, इसको तो ले लेंगे बिकर में, ये क्या एक्ट एज है, एनोड यूज, एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसमें हम लोग सॉल्ट ब्रिज ऐड कर देंगे, सॉल्ट ब्रिज ऐड कर दिए, मान लीजिए इधर ले लिए हम लोग क्या चीज, दूसरा बीकर ले लिए, यहाँ ले लिए कॉपर, मान लीजिए कॉपर का चूंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है तो कॉपर ले लिए। अब ये डाल दीजिए इसमें क्या ले लिए, कॉपर, कोई भी ऐसा मेटल जिसका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, कॉपर ले लीजिए, मान लीजिए कॉपर ले लिए, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते ही हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, ये क्या होता है, ये होता है HCl सॉल्यूशन 1 amp पर। इधर से हम लोग H2 गैस पास कराने का व्यवस्था रखेंगे, नहीं H2 गैस पास करने के लिए इधर से दे दीजिए, कितने रोज दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, H2 गैस एट 1 ATM में पास करा रहे हैं इससे H2 गैस को, ठीक है। अब ये फिर बुलबुला के रूप में इधर से भी बाहर निकलेगा और इधर से भी बाहर निकलेगा, ठीक है, और इधर सॉल्ट ब्रिज लगा लिए और इसका कनेक्शन कॉपर से कर दिए, इधर वोल्ट मीटर लगा दिए, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज है, जैसे पहले था सब चीज समय करना है, ये सॉल्ट ब्रिज रिफरेंस इलेक्ट्रोड, ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेगा, ये एनोडिक व्हेन SHE एक्ट एज एनोड लिए, तो एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, इसका रिएक्शन होगा H2 से बनेगा 2H+ + 2E, ये हो गया ऑक्सीडेशन, या इसी को कहेंगे एनोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल कहेंगे, एनोडिक हाफ सेल कहलाएगा ये, ठीक है। इस पे कैसे होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यहां पर क्या रिएक्शन होगा, कॉपर आयन डिपॉजिट होना शुरू होगा,
तो ये है मेरा कैथोड, ये है कैथोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल, ठीक है। ये है मेरा एनोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल। तो ये हो गया एनोडिक हाफ सेल, मतलब एनोडिक हाफ सेल में रिएक्शन हो रहा है, ये एनोडिक हाफ सेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में, ये हो गया रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन भी लिख दीजिए, रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया ये। अब देखिए क्या क्या फंक्शन होता है, यही समझना है रिएक्शन, और तो इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया रिडक्शन, इसको कहते हैं कैथोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन कट गया, तब ये क्या हो गया, ये हो गया दोनों फुल सेल, तब ये बिहेव क्या है, जे एनोड, तो ये हो जाएगा एच टू प्लस यू प्लस प्लस से बन गया टू एच प्लस प्लस यू। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, नहीं रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हम लोग पढ़ते थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ये तो फुल सेल हो गया, ये तो फुल सेल हो गया नहीं, ये हो गया ओवरऑल सेल, नेट सेल भी बोल सकते हैं, नेट सेल रिएक्शन। अब देखिए कैसे लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है कि गैस जो है, गैस कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, गैस आ रहा है मेरा इस पर डिपॉजिट, प्लेटिनम पर, ये प्लेटिनम पर डिपॉजिट हो रहा है, तो प्लेटिनम के साथ लेना होगा आपको, ठीक है, इसमें शो करना होगा प्लेटिनम पर हो रहा है, गैस जितना भी होगा कोई ना कोई रिफरेंस इलेक्ट्रोड पर लेना होगा। तो ये लेंगे पी टी एनोडिक, पहले लिखते हैं पी टी, इसके बगल में या तो हाइफन दीजिए या तो ब्रैकेट में लिख, इसे भी लिखते हैं दोनों तरह से, हाइफन भी दिया रहेगा बहुत जगह और ये भी दिया रहेगा। उसके बाद ये किस में गया, एच प्लस में गया, तो एच प्लस गया, ठीक है। उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन लेते थे, ये है 1 atm पर, ये है 1 m सॉल्यूशन, इसका एच प्लस एक्वस के फॉर्म में रहेगा। अब सॉल्ट ब्रिज है ये, तो सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है सॉल्ट ब्रिज है, तो सॉल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन से लिखते थे ना। उसके बाद क्या होता था, कॉपर आयन, कॉपर आयन एक्वस, ये भी लिए 1 molar, 1 molar, और इससे बन रहा है कॉपर, यही हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। और ये जो है, ये हुआ एनोड के रूप में, ये फुल सेल का हम लोग रिप्रेजेंट किए, सिर्फ अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो यहीं तक हुआ। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ई नोट एच टू से एच प्लस बन रहा है, तो एच टू से एच प्लस, तो हम लोग हाफ एच टू ले लेते हैं, हाफ एच टू से ये 0 volt बनेगा, वोल्ट बनेगा, क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें एनोड के रूप में, ये तो एनोड एज एनोड, अब कैथोड के रूप में, तो कैथोड के रूप में करेंगे तो इसको इधर रखेंगे, कोई जिंक मेटल मान लीजिए ले लेंगे,
ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब व्हेन सी एक्ट एज कैथोड हम लोग यूज करेंगे। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब जो है ये हम लोग ले लिए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक रॉड, ठीक है, ये एक्ट एज ए एनोड, ये एक्ट, अब क्या पढ़ रहे हैं, व्हेन एस एच ई एक्ट एज ए कैथोज, कैथोज हमेशा क्या रहता है, राइट हैंड साइड, ठीक है, हम लोग पढ़े थे कैथोड जो होगा हमेशा राइट हैंड साइड लेंगे, यही पढ़े, तो कैथोड को ले लिए राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन क्या होगा एट एनोड, ये तो एनोडिक पार्ट हो गया, ये एक्ट एज ए एनोड, ये एक्ट एज ए कैथोड, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज के सी एल और अगर अगर का सॉल्यूशन सब चीज ये सब पढ़ लिए हम लोग, ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन क्या होता है इसमें, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन पढ़िए, पहले इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, या पहले रिएक्शने लिख लें, हाँ पहले रिएक्शने लिख लेते हैं। ये क्या होता है, जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट होता है, प्लस टू ई, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, इसी को बोला जाता है एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ये जैसे एच इलेक्ट्रॉन इधर से पास होता है, हम लोग प्लस जान रहे हैं, ये 2H प्लस प्लस 2E गेन करेगा और ये बना देगा H2 गैस, तो H2 कहाँ जमा होगा, PT पर, यहाँ पर जमा होगा, ठीक है, प्लेटिनम फॉइल पर एब्जॉर्ब होगा, ये PT गैस निकलेगा इससे, तो H2 गैस निकलेगा, ये जो रिएक्शन हुआ ये कहाँ हो गया, रिडक्शन रिएक्शन, इसको थोड़ा अलग लिखते हैं नहीं तो मिल जाता है, ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। देखिए 2H प्लस प्लस 2E गेन किया और ये बन गया H2 गैस, ये हो गया एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा है, ये हो रहा है कहाँ, एट एनोड, एट एनोड, ये हो गया एट कैथोड, ये कैथोड पर रिएक्शन हो रहा है, क्या हो गया, तो ये बन गया, इसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ रिडक्शन रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, कैथोडिक हाफ सेल सेल रिएक्शन, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन कट गया तो जेड एन सॉलिड प्लस टू एच प्लस एक्वस लिखाएगा, एक्वस एक्वस डैश जेड एन प्लस प्लस एक्वस, यानी वन मोलर है, वन एम, ये भी वन एम है, एक्वस प्लस एच टू गैस है ये, ठीक है। अब देखिए इसका जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ये फुल, ये हो गया कौन सेल, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन हो गया ये। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल कैसे करते थे,
प्ले नोट को लेते थे, जेड एन सॉलिड ओब्लिक जेड एन प्लस प्लस, 1m सॉल्यूशन लेते हैं, तो यहाँ 1m एक्वस सॉल्यूशन ले लिए, एक यू दे दिए, मतलब एक्वस हो गया एक यू, डबल वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल मतलब हो गया सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज किसमें गया, इस बार कौन गेन कर रहा है, 2h प्लस, तो h प्लस नहीं, ये लेते हैं एच प्लस से, इसको ले सकते हैं एच प्लस 1m एक्वस है ओब्लिक हाफ एच टू लीजिए, चाहे आप ये भी ले सकते हैं हाफ एच टू भी ले सकते हैं, 2h प्लस लीजिएगा तो बात एक ही है, तो इंडिकेट करने का है अपना तरीका, पी टी एच टू गैस, पी टी पर जमा होगा एच टू गैस, पी टी एच टू गैस, गैस नीचे लिख देते हैं, पता नहीं कट रहा है क्या, पी टी एच टू गैस लिखा गया है, ये हो गया, ये 1 ATM पर है तो 1 ATM लिख देंगे यहाँ, ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, इसके लिए सिर्फ लिख रहे हैं E नॉट बराबर क्या हो जाएगा, E नॉट H प्लस ओब्लिक हाफ H2, H प्लस से H2 बन रहा है, हाफ H2 बराबर ये क्या होगा 0 वोल्ट, ठीक है, ये हमेशा 0 वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है विदाउट रिफरेंस, ये तो हो गया रिफरेंस इलेक्ट्रोड ना हो गया, तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में ही किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है, ये जानना है, कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल इंडिविजुअल मेटल का नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। इसका लीजिए तब थोड़ा लिखते हैं और एक आध पॉइंट, या यही लिख देते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हटेगा सब पॉइंट, देखते हैं पॉइंट ये याद रखिएगा, स्टार मार देते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड SHE लिख देते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिटरमाइन द क्या करता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल, इससे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग मतलब हमेशा लेते ही है, 1 atmosphere पर लिए 25 degree centigrade हो गया, 1 molar कंसंट्रेशन हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन यही हम लोग पढ़े थे, 1 atmospheric प्रेशर, 1 molar सॉल्यूशन और 1 atmospheric प्रेशर, 1 molar और 25 degree centigrade, ठीक है। ये जानिए कि हम लोग वी कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड का हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखिए
तो इस तरह से हम लोग ये दो पॉइंट भी याद रखना है कि कोई इंडिविजुअल मेटल का वी कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। कोई जैसे हम जिंक का खाली डिपॉजिट कर देंगे तो इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल मेजर नहीं हो सकता है। और सेचुरेटेड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ मेटल, उसके रिफरेंस में जो निकालेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए तब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए कहता है फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं H2SO4 जब टूटता है तो ये 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में टूटता है, यानी इसका नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी हो जाएगा 0.1 नहीं, नॉर्मलिटी हो जाएगा मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है नहीं, तो नॉर्मलिटी हो जाएगा 0.05 इंटू 2। नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट, मोलरिटी बराबर, मोलरिटी बराबर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मेरा नॉर्मलिटी हो गया इतना, तो ये हो गया 0.1 N। ठीक है, नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो मोलरिटी दिया हुआ है एन फैक्टर 2 है, तो नॉर्मलिटी निकल गया इतना एन। अब देखिए नॉर्मलिटी निकाल लिए तो कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या करना होगा, ये 2 है, जेड मत पढ़िएगा, ये क्या है 2 है, तब मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ई बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से एच प्लस से एच टू बन रहा है, एच प्लस से बन रहा है एच टू, यही बन रहा है, इसका कंसंट्रेशन 0.1 N है, ये तो 1 ATM पर है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लॉग किसका क्यू लिखेंगे तो क्यू क्या हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यानी PH2 H2 क्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए क्यू जब निकालेंगे थोड़ा अलग लिख देते हैं दिक्कत होगा, नहीं पहले इक्वेशन बना लेते तब ये लिखेंगे। देख क्या है H प्लस से बनता है H2, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन 0.1 N है, ये क्या है गैस है 1 ATM गैस है 1 ATM पर है। ठीक है, तो इसी को हम लोग तोड़े हैं ना, एच प्लस ये एक्वस फॉर्म में है, यही ना इसका जो लिखेंगे तो एच प्लस एक्वस है, ये लिखे मान लीजिए यही लिखना है। अब इसका बनेगा इक्वेशन, तो इक्वेशन कैसे बनाइएगा, 2H प्लस प्लस 2E गैन करेगा तब H2 बनेगा, यही बनेगा। तो अब देखिए इसका Q जब निकालेंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, यही लेना पड़ेगा। अब ई सेल निकालना है हमको, ई सेल बराबर क्या पड़े है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू। ठीक है, अब देखिए ई नॉट सेल तो हाइड्रोजन का जीरो जानते हैं हम लोग, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है
तो माइनस 0.059 बाय 2 लॉग। अब देखिए एच पी एच टू, ये तो पी एच टू है, ये मतलब पी एच टू 1 एटमोसफेयर है, ये पी एच टू लिख देते हैं, ठीक है पी एच टू, ये तो हुआ पी एच टू बाय एच प्लस का स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 0.059 टू लॉग 1 बाय h प्लस दिया हुआ 0.1, यानी 10 to the power -1 हुआ, या 0.1 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है तो ये कितना हो गया माइनस 0.059 बाय 2, इसको लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस लॉग 10 to the power -2 माइनस 2। अब देखिए तो माइनस 0.059 बाय 2 लॉग 1 0 माइनस 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 प्लस 2 लॉग 10 नहीं 2 लॉग 10 हो गया। अब क्या हो जाएगा माइनस 0.059 बाय 2 आइए 2 इंटू लॉग 10 1 तो 1 है छोड़ दीजिए 2 कैंसिल कितना हो गया पोटेंशियल माइनस 0.059 वोल्ट, ठीक है ये इस तरह से निकलेगा, ठीक है आसान क्वेश्चन है, हम लोग कन्वर्ट कर लिए, सिर्फ इसका मोलरिटी को चेंज करना होगा क्योंकि 2H+ रिलीज करता है, ठीक है नॉर्मलिटी बराबर क्या पर है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर मेरा 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर दिए मोलरिटी, ठीक है ये हो गया आपका, ये तो गैस बना, गैस के लिए पार्शियल प्रेशर लेते हैं, ठीक है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ सॉल्यूशन व्हिच पीएच इज 10, पीएच दिया हुआ इस बार पीएच बराबर हम लोग क्या जानते हैं निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, तो पीएच 10 है दे इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं पीएच 10 को लॉग 10 to the power 10 लिख सकते हैं, लॉग 10 to the power 10 लिख सकते हैं, तब ये हुआ, अब हमको अगर लॉग 10 to the power 10 को 10 लिख सकते हैं 10 log 10 इक्वल टू हो गया माइनस लॉग एच प्लस, अब एच प्लस जो हुआ तो लॉग लॉग कैंसिल नहीं लॉग लॉग कैंसिल तो एच प्लस कितना निकल गया मेरा एच प्लस निकल गया मेरा कितना हो जाएगा 10 to the power -10 नहीं दोनों देखिए माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है पीएच दिया हुआ है 10 10 का मतलब हो गया कि लॉग 10 to the power 10 बराबर 10 होगा, लॉग 10 to the power 10 का मतलब हो गया लॉग लॉग कैंसिल माइनस लॉग कर देते हैं तो माइनस लॉग 10 नहीं ये तो पीएच होता है निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन तो ये हो जाएगा मेरा 10 to the power -10 नहीं एच प्लस कितना हो जाएगा
एच प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 to power, एच प्लस का कंसंट्रेशन हो गया 10 to power माइनस 10 m। ठीक है, अब देखिए कहता है कैलकुलेट द पीएच, पीएच किसे निकालेंगे, तो एच टू से ये बनेगा 2H प्लस प्लस 2E, यही बना। ई सेल लिखना होगा तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय 2 एन, एन तो दो यूज हो रहा है, बाय एन लॉग क्यू लेते हैं हम लोग। क्यू बराबर क्या लिखेंगे, इसका क्यू लिखते तो क्यू बराबर क्या होता है, एच प्लस का स्क्वायर बाय पी एच टू, यही लेते। तो देखिए ई नॉट सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या लेते हैं हम लोग, जीरो, कोई भी लें तो जीरो माइनस 0.0 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग क्यू के जगह पे एच प्लस का स्क्वायर लॉग क्या हो जा रहा है, एच प्लस का स्क्वायर बाय पी एच टू, तो 1 atmosphere होता है तो 1, तो ये हो गया माइनस लॉग, ए लॉग कहाँ है, लॉग तो नहीं है, माइनस जीरो से माइनस 0.0592 लॉग एच प्लस है 10 to power minus 10, 10 to power minus 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो गया, ई सेल बराबर, ई सेल बराबर हो जाएगा माइनस 0.059 बाय 2, ये क्या हो जाएगा लॉग 10 to power minus 20, माइनस इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा 0.059 बाय 2 इंटू माइनस 20 लॉग 10 हो जाएगा, माइनस 20 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1, ये माइनस है यहाँ, तो माइनस 0.059 बाय 2 और ये प्लस हो गया माइनस माइनस इंटू 20 लॉग 10 1, ये 10 से कट गया तो 0.59 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखें, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे तो पढ़ना नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में कैलोमेल इलेक्ट्रोड देख लेंगे, ग्लास इलेक्ट्रोड देख लेंगे। हाँ, एक इससे आता है क्वेश्चन, पीएच निकाल लें, ये देख लीजिए थोड़ा, पीएच कैसे निकालेंगे इसका। ठीक है, पीएच के लिए क्या करना है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब पीएच देखते हैं। इसका पीएच देता है डायरेक्ट निकालने, पीएच का इसे डेरिवेशन तो पर नहीं जानना जरूरी है, या उसी में पुट कर दीजिएगा ना, कि कोई भी इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए जब निकालना होगा पीएच तो पीएच निकल जाएगा। ठीक है, तो किसी के रिफरेंस में ही निकालना होता है, उसी इक्वेशन में कोई भी जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग ले लिए H प्लस से H2 बन गया। ठीक है, तो H प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर हाफ H2 बना देते हैं तो इसके लिए E सेल क्या लिखते हैं, E सेल लिखते हैं E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग पी एच टू बाय एच प्लस का कंसंट्रेशन, यही लेते थे, यही लेते हैं।
अब ई नॉट सेल तो जीरो होता है, जीरो माइनस 0.059 बाय एन वन लॉग पी एच टू वन वन, ये ले सकते हैं लॉग वन तो जीरो, तो ये लॉग वन माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस 0.059 बाय 9, वन से डिवाइड दे लॉग वन जीरो, अब माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब ये क्या हो जाएगा मेरा पी एच, तो माइनस 0.059 पी एच हो गया, इतना तो ई सेल निकला। और कोई भी सेल में क्या होता है, ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल का, ये ई सेल भी ले सकते हैं, ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ई राइट अगर लेते हैं हम लोग ये एस सी एल के लिए मतलब जीरो, तो जीरो माइनस माइनस लेफ्ट ये निकल जाएगा। देखिए ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हमेशा किधर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, रिडक्शन लेते हैं, यहाँ दे दीजिए हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ पी एच, कैलकुलेशन ऑफ पी एच ऑफ हाइड्रो एस एच ई, ठीक है, एस एच ई का कैसे पी एच निकालेंगे। तो देखिए ये तो एक हाफ इलेक्ट्रोड ले लिए, हाफ इलेक्ट्रोड लिए तो ये निकल गया मेरा ये, अब राइट हैंड साइड का तो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस 0.059 पी एच, ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 0.059 पी एच। तो पी एच बराबर क्या हो गया ई सेल बाय 0.059, इस फॉर्मूला का डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे। अब मान लीजिए आप H2 से ही बनाते हैं तो भी आता यही आपका, तब राइट में जीरो कर देते तो बात एक ही था, ये प्लस में आता तो राइट में जीरो कर देते तो बात एक ही था, ठीक है। तो पी एच इसी तरह निकलेगा, ई सेल दिया रहेगा आपका 0.59 से डिवाइड करना, 0.059 टू भी होता है एक्चुअली, तो टू ले लिया कीजिएगा, हम लोग तो शॉर्ट करने के लिए खाली डाल देते हैं, ये टू भी ले लीजिए, टू टू पहले भी नहीं लिए थे इसे, टू टू ले लीजिए, टू बाय टू, बस ये फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट यूज कर लेना है। इसका लिमिटेशन क्या है समझिए, लिमिटेशन क्या होगा एस एच ई का, लिमिटेशन ऑफ एस एच ई, लिमिटेशन ऑफ एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लिमिटेशन क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अफेक्टेड बाय, अफेक्टेड बाय कुंची कुंची से अफेक्ट होता है, अफेक्टेड बाय कंपाउंड ऑफ एच जी, कंपाउंड ऑफ एच जी, एच जी के कंपाउंड से, आर्सेनिक के कंपाउंड से और सल्फर के कंपाउंड से, एंड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइजिंग एजेंट लाइक, एजेंट लाइक एफ ई प्लस प्लस, ठीक है, एम एन ओ फोर माइनस और सी आर टू ओ सेवन माइनस ई टी सी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अफेक्टेड बाय कंपाउंड ऑफ एच जी एर्सेनिक सल्फर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सबसे क्या होता है, अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये नॉट यूज करेंगे, ठीक है, पहला हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन नॉट यूज्ड, कैन नॉट यूज्ड इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैन नॉट यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ आयन्स ऑफ मेनी मेटल्स। बहुत तरह के मेटल का आयन रहेगा तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। इट कैन नॉट यूज, ये लिख सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन नॉट यूज या अफेक्टेड बाय कंपाउंड, ये सबसे अफेक्टेड है। तो ये सब आयन रहेगा प्रेजेंट तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, और मेनी मेटल का आयन रहेगा तो भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। और पीएच निकालना होगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। पीएच सेल दिया रहे तो पीएच निकाल लेंगे, एच प्लस आयन दिया रहे तो पीएच निकाल के ई सेल निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो सिलेबस में है इंजीनियरिंग और आईआईटी के लिए, अब कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो पढ़ना है वो आईआईटी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, यहाँ ज़रूरत है ही नहीं, ऑनर्स में पढ़ना है, ठीक है। तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड में अभी जो पढ़ना है आप लोग को मेनली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना है, इसे बाद में मैं इसका भी कैलोमेल इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड या ग्लास इलेक्ट्रोड का भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को केयरफुल होके देखेंगे, जब जो भी बच्चा केयरफुल होके देख रहा है उसको बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में, ये नहीं कि 5 मिनट देखे तो 5 मिनट का वीडियो देखने पर आईआईटी के सिलेबस के अनुसार बना हुआ वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। जब भी देखना होगा शुरू से अंत तक देखिए, नोट बना लीजिए, न्यूमेरिकल जो बनाते हैं वो लिख लीजिए, फिर दोबारा बनाइए तभी समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद हो तो अपना फ्रेंड में भी शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू।